हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजनी और आज मैं आप लोगों के साथ घर की पनीर की बनी हुई बहुत ही टेस्टी सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूं। ये होममेड पनीर है और मैंने इसे मार्केट वाले मसाले के साथ बनाया है जो कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है खाने में। तो चलिए देख लेते हैं कि इस रेसिपी को मैंने किस तरीके से तैयार किया है और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमने यहाँ पे होममेड पनीर ले लिया है और अब हम इसको बनाने जा रहे हैं मार्केट के मसालों के साथ। मार्केट के मसालों के साथ बनाने पर ज़्यादा मसाले हमें नहीं यूज करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़े बहुत मसाले इसमें डालूँगी ताकि इसका जो टेस्ट है वो बढ़िया आए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पनीर को कट कर लेंगे। गर्मी के मौसम में बहुत ही ज़्यादा दूध जो है फट जाता है और उसके बाद समझ में नहीं आता है कि उसका क्या करें। तो मैंने यहाँ पे इसको पनीर सेट कर दिया और अब मैं इसको बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होता है और आप देख सकते हैं पनीर भी जो हमारा है बिल्कुल मार्केट जैसा देखने में लग रहा है। बहुत ही बढ़िया से ये सेट हुआ है। मैंने कल ही इसको सेट कर दिया था और आज मॉर्निंग में इसको निकाला। अब इसको हम पीस में कट कर लेंगे इस तरीके से। इसको फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए डाला हुआ है। अब ऑयल में हम डालेंगे सारे पनीर के पीस को। और इसे फ्राई करेंगे। इसमें हल्का सा हल्दी का पाउडर, नमक और हल्का सा धनिया का पाउडर डाल करके फ्राई करेंगे। इससे पनीर का जो टेस्ट होता है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, फ्लेवरफुल हो जाता है और हमारी जो सब्ज़ी बनकर के तैयार होगी वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। पनीर के जो पीस है हमारे फ्राई हो चुके हैं, ये देखिए, और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है। तो घर में अगर दूध फट जाता है तो इस तरीके से भी आप सेट करके पनीर को और पनीर की सब्ज़ी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगेगी। तो इन सभी को हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे प्याज को मैंने कट करके रखा हुआ है और इसको भी हल्का सा हम भून लेंगे। बिल्कुल हल्का सा, जिस तरह से कढ़ाई पनीर में डालते हैं ना उसी तरीके से यहाँ पे मैं डालूँगी, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको भून करके तब डालूँगी। हमें बस इसे हल्का सा सॉफ्ट करना था और ये देखिए हल्का सा ये सॉफ्ट हो गया है। अब इसको भी हम निकाल लेते हैं और हमने जो पनीर के पीस वगैरह रखे हुए हैं ना उसी में इसको हम डाल देते हैं, क्योंकि दोनों को हम एक ही साथ ग्रेवी में डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हल्का सा साबुत जीरा, तेजपत्ता। अब डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन और हरी मिर्च और इसको सौते कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है पनीर बटर मसाला मिक्स। मैं पनीर बटर मसाला तो नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, बट मैं पनीर बटर मसाला का जो मसाला है वो यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस मसाले को हम डाल देंगे एक बाउल में और हल्का सा पानी डाल करके घोल देंगे। मसाले को यहाँ पर मैंने एक बाउल में डाल दिया। अब इसमें डालेंगे हल्का सा पानी और इसको घोल लेंगे। घोल करके हम इसको छोड़ देंगे जब तक हमारा जो प्याज है वो सौटे हो रहा है तब। इससे जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है मार्केट के मसाले से। अगर आप बनाते हैं पनीर की सब्जी तो मेरे पास पनीर बटर मसाला का मसाला ही पड़ा था तो मैंने इसे ही इस्तेमाल कर लिया है और बहुत ही बढ़िया टेस्ट होता है। अब इसको हम फूलने देते हैं। प्याज यहाँ पर हमारा सौटे हो चुका है, बिल्कुल गोल्डन नहीं करना है हमें, इसी प्रोसेस पे डालना है टोमेटो प्यूरी। हल्का सा हल्दी का पाउडर, वैसे तो मसाले नहीं डाले जाते हैं बट मैं थोड़ा थोड़ा अपने जो मसाले मैंने घर में इस्तेमाल करने के लिए रखे हैं वो थोड़ा थोड़ा मैं ज़रूर डालती हूँ। मुझे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर देता है जब मैं पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो मैं मार्केट के मसालों के साथ अपने भी मसाले ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। अब मैंने डाल दिया यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि पनीर की सब्ज़ी चटपटी ना हो तो खाने में तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। हल्का सा कश्मीरी मिर्च का पाउडर। ऑयल निकलना स्टार्ट हो चुका है तो जो हमने मसाले को घोल करके रखा हुआ था उन मसालों को भी हम इसमें डाल देंगे। अब गैस के फ्लेम को लो कर लेंगे और मसालों को अच्छे से हम भून लेंगे। तो यहाँ
के मसालों को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हमने जो फ्राई पनीर और प्याज यहाँ पे रखा हुआ है उसको इसमें डाल देंगे, मिक्स करेंगे। अब डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो आप चाहे तो पनीर की सब्ज़ी ड्राई भी रख सकते हैं, ग्रेवी भी डाल सकते हैं। दोनों ही तरह से ये जो सब्ज़ी है काफ़ी टेस्टी लगती है। मैं हल्का सा ग्रेवी डाल रही हूँ क्योंकि ड्राई जो सब्ज़ी है वो मेरे यहाँ कोई ज़्यादा नहीं खाता। हल्की सी ग्रेवी मैं डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने नमक को मिक्स कर लिया और मसाले भी हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इसमें पानी डालूँगी। अब 2 से 3 मिनट हम पनीर को पकने देंगे। सो फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारी जो सब्ज़ी है पूरी तरह से तैयार है और बहुत ही ज़्यादा यम्मी भी लग रही है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे बनी रहिएगा। तो दोस्तों, टेक केयर एंड गुड बाय। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ।